हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि सीएससी का अगर आपने आईडी पासवर्ड लिया हुआ है, वैलेट पिन नहीं, और या आपने वैलेट पिन जनरेट भी कर लिया है तो आप वैलेट पिन भूल गए। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप वैलेट पिन को जनरेट कर सकते हैं या वैलेट पिन को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में सीएससी टाइप करते हैं। तो देखिए सीएससी लॉगिन थर्ड नंबर पे, इसमें हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए सी एस सी लॉग इन का पेज यहाँ पे लिखा हुआ हिस्टल सेवा डॉट सी एस सी डॉट जी ओ वी डॉट इन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सी एस सी का लॉग इन पेज दिख रहा है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में लॉग इन लिखा हुआ डिजिटल इंडिया के पास में, तो लॉग इन पर हम क्लिक करते हैं। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद देखिए सी एस सी का पेज ओपन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए सी एस सी में जितनी भी सेवाएं हैं आप ऊपर दिख रहे हैं, और बहुत सारी सेवाएं हैं। तो हमको आज इस वीडियो में वैलेट पिन को चेंज करना है। यहाँ पे डैशबोर्ड, उसके बाद राइट साइड में है डैशबोर्ड सर्विसेज वैलेट पासबुक ऑर्डर अकाउंट एंड रिपोर्ट। तो हमको यहाँ से छठवें नंबर पे आ जाना अकाउंट पे, ठीक है। अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए माई प्रोफाइल का सेकंड नंबर पे ऑप्शन है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, और कब आपने सीएससी आईडी को लॉगिन किया था, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड जीमेल का और नंबर, और आप किस प्रदेश से आपने लिया है, ये सब कुछ इसमें सारी डिटेल्स आ जाती है। तो चलिए हमको अब वैलेट पिन चेंज करना है। वैलेट पिन चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में अकाउंट के नीचे माई प्रोफाइल, उसके बाद चेंज पासवर्ड, उसके बाद चेंज वैलेट पिन। तो हमको ये लास्ट वाले पे चेंज वैलेट पिन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है चेंज वैलेट पिन, उसके नीचे फॉलो द पिन इंस्ट्रक्शन टू चेंज द वैलेट पिन। तो उसके बाद फिर लिखा हुआ है डू यू नो योर करंट वैलेट पिन। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या आप अपना करंट पिन जानते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि हम अपना करंट पिन जानते हैं, मगर उसको हमको चेंज करना है। तो वो चेंज करने के लिए यहाँ पे हमको यस पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमको करंट वैलेट पिन पता है। तो यस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पूछता है करंट वैलेट पिन, न्यू वैलेट पिन एंड कन्फर्म वैलेट पिन। तो हमको करंट वैलेट पिन, तो वहाँ पे हम करंट वैलेट पिन डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यू वैलेट पिन मांग रहा है, न्यू वैलेट पिन डाल देते हैं। यहाँ पे हमको फिर से डाल देना है कन्फर्म वैलेट पिन, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे देखिए सबमिट पे लिखा है, सबमिट पे क्लिक करना है। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए वैलेट पिन क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे इट्स इज अ 6 डिजिट न्यूमेरिकल नंबर, और नंबर दो पे मस्ट सिक्वेंशियल इजी 1 2 3 4 5 6 इज नॉट अलाउड, मस्ट बी रेंज ऑफ इजी 3 0 2, सेम नंबर कैन नॉट बी रिपीट, जैसे 6 टाइम 1, 6 टाइम 2, 6 टाइम 3, एंड पिन मस्ट बी चेंज एट लीस्ट 1 इन द 30 डेज, पिन शुड नेवर बी राइट डाउन टू स्टोरेज इन ऑनलाइन विदाउट, डू नॉट रिवील योर पिन ईमेल चैट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हम कोई भी नंबर से 1111 या 2222 या 333 ऐसा नंबर आप नहीं डाल सकते, और 1 2 3 4 5 6 भी नहीं डाल सकते, इसमें ये बताया गया है। तो हमने चलिए यहाँ पे डाल दिया है अपना नया वैलेट पिन, और उसके बाद यहाँ पे हमको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए लिख के आ गया है पिन सक्सेसफुल, ठीक है। पिन हमारा सक्सेसफुल हो गया है, और अब हम पिन नंबर जो नंबर डाला है अब उससे हम पे कर सकते हैं। तो